मुझे पता है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो लॉक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मुझे ये भली भांति पता है कि आपका स्मार्टफोन लॉक हो चुका है और आप हमारे इस वीडियो को देखने आए हैं। सिर्फ एक ही कारण है कि आपका फ़ोन लॉक हो गया है। आप अपना डेटा बचाना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, आपके पास सर्विस सेंटर जाने का टाइम नहीं है। अगर आप सर्विस सेंटर गए भी होंगे तो वहाँ आपको ये बताया हो गया होगा कि आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। सर, हम आपका डेटा डिलीट कर देंगे, फ़ोन जो है अनलॉक होके मिल जाएगा, बट डेटा आपका नहीं बचेगा। ऐसा ही आपको सर्विस सेंटर वाले ने बताया। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ को भी देखा बट आपको सोल्यूशन नहीं मिला। हो सकता है हमारे वीडियो को आपने इसीलिए देखा है कि शायद इस बंदे ने सोल्यूशन बताया है तो कुछ हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर जी, समय दीजिए थोड़ा, बिल्कुल मैं आपके फ़ोन को अनलॉक करके ही दूंगा। दोस्तों, मेरे नाम है रवि वर्मा, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंड डेस्क। और इस वीडियो में, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दुनिया की किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको ऐसा मेथड बताने वाले जिसके थ्रू आपके फ़ोन में लगे हुए लॉक को, यहाँ तक कि 72 घंटे रिमेनिंग, अगर कुछ ऐसा आपका फ़ोन में बताता है कि 72 घंटे से आपका फ़ोन लॉक पड़ा हुआ है, आप जो है उसको अनलॉक नहीं कर सकते हैं, चाहे कितने दिन हो गए हैं फ़ोन को अनलॉक किए हुए, फ़ोन अगर अनलॉक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम इस मेथड से आपके फ़ोन को अनलॉक करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक स्मार्टफोन है। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा वरना आप कहेंगे सिर्फ इसी कंपनी का फ़ोन अनलॉक होगा। जी नहीं दोस्तों, ये तो फ़ोन एक एग्जांपल है। इस मेथड से आप दुनिया के किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को, ध्यान से सुनिए, दुनिया के किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लॉक स्क्रीन पासवर्ड इज रिक्वायर्ड इज नॉट यूज फॉर 72 आवर। यहाँ पे टाइमिंग सेकंड में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको चुपचाप क्या करना है, इमरजेंसी कॉल वाला ऑप्शन अप्लाई करना है, जो कि हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। आपको इस ऑप्शन में अप्लाई करके यहाँ पे डायल करना *813 और हैज सबसे पहले डायल करना है। ये डायल करते ही आपको चेक करना है कि आपका जो लॉक स्क्रीन है वहाँ पे वापस ये चला जा रहा है या नहीं जा रहा है। जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं जा रहा तो आपको क्या करना है, हमारे यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि इसी कहीं पे ऑप्शन में, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा व्यू प्रोडक्ट का, यहीं कहीं आपको व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहीं पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई करना है। यहाँ से एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे मोबाइल का आएगा, तो किसी भी मोबाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा और वहीं से आपको ये चीज़ डाउनलोड करना है, एक फ़ाइल, उसको डाउनलोड करते ही फ़ोन में कॉपी करते ही बढ़े ही आसानी से आपका फ़ोन जो है वापस जिस मोड में जाना चाहिए, लॉक स्क्रीन वाले मोड में, वहाँ पर चल जाएगा। चलिए, अब जब आप इस चीज़ को कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे चल जाना है, डायल करना है *899 और है जिस तरीके से, ये देखिए आपको ये ऑप्शन डायल करना है *899 और है जिसको डायल करते ही आप यहाँ पे कहाँ पहुँच जाते हैं, इंजीनियर मोड वाले पेज पे आप पहुँच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियर मोड वाले पेज पे आप इस पे पहुँच जाते हैं। जैसे ही दोस्तों आप इंजीनियर मोड वाले पेज पे पहुंचते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैनुअल टेस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस मैनुअल टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे मैनुअल टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है और इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे है रीड राइट लॉक टेस्ट। ये देखिए रीड राइट लॉक टेस्ट वाले ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करते ही फर्स्ट टाइम में तो आपको ये यहाँ पे लगेगा कि हमें कंफर्म करके ओके कर देना है, बट कंफर्म ओके नहीं करना है, हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम में कैंसिल कर देना है इस तरीके से। ये देखिए कैंसिल करने के बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, रीड राइट वाले पे वापस क्लिक करके इस बार आपको ओके करना है। ओके करते यहाँ पे देखिए रॉन्ग पासवर्ड इंडिकेट कर रहा है, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरे द्वारा बताए गए मेथड को आप अप्लाई कीजिए, 100% दोस्त आप सक्सेस होगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपना पावर बटन, जहाँ भी आपका पावर बटन हो वहाँ पे आपको एक बार इस तरीके से क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपका फ़ोन जो है बंद हो जाएगा और फिर से इसको क्लिक कीजिएगा तो फ़ोन जो है आपका ऑन हो जाएगा। अभी देखिए फाइनली आपको क्या करना है, बीच वाले बटन को इस तरीके से दबाना है। बीच वाले बटन को दबाते ही हम जो वापस लॉक स्क्रीन पे आ गए हैं, लेकिन लॉक स्क्रीन को जैसे हम स्वैप अप करेंगे यहाँ पे अब 72 आवर वाला प्रॉब्लम हमारे सामने खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इंटर पासवर्ड का ऑप्शन। वापस से हम क्या करेंगे, इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे हम जैसे थे वैसे चले आएंगे और यहाँ पे हमें एक सिंगल कोड डायल करना है। इससे पहले हमने डायल किया था *813, लेकिन अब यहाँ पे हमें डायल करना है *812। ध्यान से देखिए पहले हमने क्या किया था, *813 डायल किया था, लेकिन अब हमें क्या करना है, *812 डायल करना है और उसके बाद यहाँ पे हमें हैज़ अप्लाई करना है। हैज़ को अप्लाई करते ही मैजिक आपको दिख गया होगा कि हमारा फ़ोन यहाँ पे
अनलॉक हो गया है, वो भी विदाउट डेटा लॉस के साथ। जी हाँ दोस्तों, विदाउट डेटा लॉस के साथ हमने अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर लिया है। तो ये पूरा मेथड जो है बिल्कुल मैजिकल तरीके से आपको लगा होगा, लेकिन ये आपको करना है। फ़ोन अनलॉक होता है, बहुत सारे लोग अनलॉक कर चुके हैं। ऐसे ही हम लोगों ने 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर, सॉरी 4.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर नहीं बनाया, ठीक है ना। तो इसको ट्राई कीजिए, मेथड अगर यूज नहीं होता है नीचे कमेंट कीजिए हमें, हमारी टीम मोबाइल नंबर कमेंट में डाल दीजिएगा, हमारी टीम आपको तुरंत वीडियो कॉल के थ्रू सॉल्यूशन देगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो कि हमारे ज्वाइन मेंबर सेलेक्टेड हुए हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज्वाइन कीजिए, मेंबर बनिए हमारे, ताकि हमारे जो टीम मेंबर है आपको तुरंत ही रिप्लाई दे सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।